हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर जया राजपूत फ्रॉम फैमिली फिजियोथेरेपी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्दन में होने वाला दर्द, जिसको सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस भी कहा जाता है। ये समस्या हड्डियों से जुड़ी हुई है। इसमें कंधे में और गर्दन में बहुत तेज दर्द होता है, यही होता है सर्वाइकल का पेन। ये समस्या किसी को भी हो सकती है। आज के दौर में खराब लाइफस्टाइल होने के कारण हर तीसरे व्यक्ति को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। घंटों बैठे रहना, खराब मुद्रा, झुककर बैठना और कई अन्य गलत आदतों की वजह से इस समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी सही जानकारी है, इसलिए गर्दन में होने वाले दर्द को हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये कोई मामूली दर्द है या फिर ये सर्वाइकल पेन है। आज की इस वीडियो में जानेंगे सर्वाइकल पेन होने के कारण क्या है, लक्षण क्या है और कुछ एक्सरसाइजेस हम आपको बताएंगे जिसके करने से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले जानेंगे सर्वाइकल पेन होने के कारण। गलत पोजीशन में बैठना, हमारा स्लीपिंग पोस्चर रॉन्ग होना, भारी वजन को सर पर उठाने की वजह से सर्वाइकल पेन हो सकता है। गर्दन को बहुत देर तक झुकाए रहने से सर्वाइकल पेन हो सकता है। बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठने से सर्वाइकल पेन शुरू हो जाता है। ऊंचे और बड़े तकिए का प्रयोग ना करें, उससे भी सर्वाइकल पेन हो सकता है। भारी वजन के हेलमेट बाइक पर बैठने से चलाने से सर्वाइकल पेन हो सकता है। अब जानेंगे आपको उठने वाला ये जो दर्द है ये सर्वाइकल पेन है। गर्दन को हिलाने पे हड्डियों में से चटकने की आवाज आना, हाथ पैर और उंगलियों में बाजू में सुनपन फील होना, कंधों में सुनपन होना, चलने में कमजोरी फील होना और अपना संतुलन खो देना और चक्कर आना और हमारी गर्दन और कंधों में अकड़न सी फील होना। ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर इसको लाइटली लिया जाए तो फ्यूचर्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मैं आपको आसान से कुछ टिप्स बताएंगी जिसे आप फॉलो करेंगे तो इस फॉलो करने से प्रॉब्लम कम हो सकती है। सही तरीके से सोना, हमारा जो स्लीपिंग पोस्चर है वो अच्छे तरीके से होना, ऊंचा तकिया इसमें यूज ना करें। सर्वाइकल का बहुत बड़ा कारण हो सकता है स्लीपिंग पोस्चर, ऊंचे तकिए का प्रयोग करना, पेट के बल ना सोएं, पीठ के बल या करवट लेके सोएं, इससे आपका दर्द कम होगा। गर्म और ठंडे की सिकाई करना, आइसिंग पैड और कूलिंग पैड और इसमें हीटिंग पाउडर की सिकाई करना, इसमें बारी बारी आपको सिकाई करनी है। मसाज करवाना कई लोगों को बहुत पसंद है, इसको डीप टिश्यू फ्रैक्शन मसाज कहते हैं, इससे पेन में बहुत रिलीफ मिलता है और सर्वाइकल पेन होने से इसमें बहुत राहत दे सकता है कम होने में। 5 to 6 लीटर रन आउट वाटर इंटेक लेना, हमारे शरीर में होने वाली पानी कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। सारी रीढ़ की हड्डियों के बीच में कुछ ज्वाइंट होते हैं, वो हिस्सा पानी से बना हुआ होता है और ऐसे में शरीर में पानी की कमी होना हमारी कार्य क्षमता को कम करना, इसलिए जितना हो सके आपको पानी पीना है 5 से 6 लीटर। तनाव से बचें, सर्वाइकल पेन की एक वजह स्ट्रेस होती है। अगर आपको पेन है तो इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा और तनाव को कम करने की कोशिश करना होगा। सही लाइफ स्टाइल होना, सही और अच्छी लाइफ स्टाइल जीना, शारीरिक व्यायाम और अच्छे भोजन को शामिल करना, हमारी गर्दन के स्ट्रेच करने से हमारे शरीर की मांसपेशियां ठीक हो जाती हैं और सर्वाइकल पेन में राहत देती हैं। आप जानेंगे इसमें आपको क्या एक्सरसाइजेस करनी है और हमारे इस पेन को कम कर सकते हैं एक्सरसाइजेस करने से, जो आपको घर पे करनी है। जब तक आप क्लिनिक पर विजिट नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो आपको ये सारे स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, सारे प्रिकॉशन। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिसको आपको चक्कर में रिलीफ मिलेगा और दर्द में आराम मिलेगा। इस तरीके से हमें प्रेशर के साथ नेक को मूव करना है इस तरीके से, एंड सेकेंड एक्सरसाइजेज है हमारी इस तरीके से अपनी नेक को सर्कल बनाना और ऐसे पीछे की साइड करना। तो इसी तरीके से हम इस दर्द को कम करेंगे। क्या इसमें सबसे मेन चीज क्या है कि आप सही डॉक्टर्स का सही टाइम पर चुनाव कर पाते हैं? अगर सही टाइम पर सही डॉक्टर से सही सलाह ली जाए तो हमारी रिकवरी भी सही होती है। इसमें सबसे मेन चीज होती है कि जिस डॉक्टर्स को आप दिखा रहे हैं उस डॉक्टर्स को क्या एनाटॉमिकल नॉलेज है। तो सारी ये जो मैंने प्रीकॉशंस बताए हैं आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं और अपनी इन आदतों को तुरंत बदलना है।
जैसे कि ऑफिस में घंटों बैठे रहना एक ही पोजीशन में। कोशिश करें कि हर एक घंटे बाद आपको छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए और काम कम करें। इससे आपको सर्वाइकल पेन में बहुत राहत मिलेगी। साथ के साथ आप सर्वाइकल से भी बच सकते हैं। ज्यादा भारी सामान उठाने की आदतों को छोड़ दें। 2-3 किलोमीटर डेली आपको पैदल चलना है। अगर आप हाउस वाइफ है तो अपने जो वर्किंग है, जो घर के काम है, उनको थोड़ा सा ब्रेक ले लेके रेस्ट करें। तो आज हमने बात की है सर्वाइकल पेन के बारे में। तो इंडिया में जो 7 क्लिनिक में 7 डॉक्टर्स अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं, वो सारी 7 टेक्निक्स हमारे क्लिनिक में प्रोवाइड की गई हैं। आपके किसी फ्रेंड्स, नेबर या रिलेटिव को ये प्रॉब्लम है, जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम से, तो आप उनको हमारा नंबर देके उनकी हेल्प कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉन्टेक्ट करके निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं और हमारे क्लिनिक पर विजिट कीजिए अगर इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।